जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपके लिए भूगोल के 300 जो सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं, जो कि आपकी यूपीएससी, यूपीएससी सीडीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, आरआरबी बैंकिंग, सीटेट एग्ज़ाम और एटसेट्रा जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इसी तरह की मैं हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की ये सभी वीडियो बना दूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के से संबंधित बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, हेल्पफुल होगी। तो आइए चलते हैं, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? सातवां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह दूसरा। हालांकि जो अभी रिसेंट में हमारा स्थान फर्स्ट हो चुका है पहला। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। मन्नार की खाड़ी और पाक जलमग्न मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। आपको याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बंगाली खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करती है? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,77,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 870 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? 7,516 किलोमीटर। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? यह संख्या 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार का। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है? अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? 23.23°-3' उत्तर। भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप परवाल उद्गम के हैं। मैखाल का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी
आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के। कौन सा पुल? आदम का पुल। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। और भारत और पाकिस्तान को जो सीमा रेखा अलग करती है वो रेडक्लिफ रेखा ही है, इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रेखा पड़ी थी। भारत का कौन सा राज्य चीन नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का नाम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। दक्कन और पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? 1896। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वोरा झील, जम्मू कश्मीर में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील, राजस्थान में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गढ़सोप्पा या जोग जलप्रपात, कर्नाटक में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, उत्तराखंड में। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टीरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा, सबसे लंबा। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भागड़ नागल परियोजना। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भगीरथी और बिलांग नदी के पर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गोडविन ओस्टिन। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी का शिखर, सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम। मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? पहाड़ी की तरह करती। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु और उड़ीसा में। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? हरियाणा में।
दलदली एवं ज्वारभाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? 1973 ईस्वी में। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लो ऑक्साइड के कारण। खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार बाजरा मक्का चावल तिल आदि। रबी की फसल कौन सी है? गेहूं चना मटर जौ सरसों आलू आदि। जायद की फसल कौन सी है? खरबूजा खीरा ककड़ी आदि। दोस्तों जो ये तीनों फसलें हैं इनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जो कि ट्रिक के साथ है, जिसको आप आसानी से याद कर रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड होती है। नकदी की फसल कौन सी है? गन्ना रबड़ तंबाकू कपास सूरजमुखी आदि। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? ताप थर्मल या थर्मल पावर से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? यह अप्सरा में है और 1956 में स्टार्ट हुआ। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तारापुर महाराष्ट्र से। भारत की प्रथम जलविद्युत परियोजना कौन सी है वह किस नदी पर है? शिव समुद्र परियोजना और कावेरी नदी पर स्थित है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर बना? 1875 ईस्वी में बना और कुल्टी पश्चिम बंगाल में। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को। लोहो आया सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। इसमें आप कन्फ्यूज होते हैं ज़्यादातर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का और सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। गुजरात में महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? 1 मई 1960 को। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? 16 मई 1975 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ? 1970 में। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1971 में। मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ? 1987 में। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 में। मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय का पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 21 जनवरी 1972 को। कोया जनजाति किस राज्य पर संबंधित है? आंध्र प्रदेश। मिजो जनजाति किस राज्य संबंधित है? मिजोरम।
पनियानवे रूल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कौन सी जनजाति? शोम्पेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। ब्रिली व डोविया जनजाति डोडिया किस राज्य से संबंधित है? दादरा एवं नागर हवेली में। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियाँ हैं? त्रिपुरा की। ईश्वर का निवास किस स्थान किस नगर को कहा जाता है? पंजाब को। पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? नेहरू सेतु बिहार में सोन नदी पर बना है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो कि 11,215 मीटर लंबी है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर और कोलकाता में है ये। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज कोलकाता में। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ पर है? एलोरा में, एलोरा है और औरंगाबाद में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में। सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? लेह लद्दाख का। सबसे बड़ा गिरिजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल गोवा में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ गुजरात में। सबसे ऊंचा ग्रोथवे बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? वीर अभय अंजनेय हनुमान हैदराबाद में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? पीतमपुरा। डेल्टा नहर बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने परसेंट भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त है? होता है 98%। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? वाही नदी। दक्षिण भारत की गंगा नदी गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? दामोदर नदी। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और ये वीडियो यकीनन आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर। थैंक यू।